अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैफ रहमान और चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 99 के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इस लेक्चर के अंदर दोस्तों हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है जम्मा। जम्मा इसे बोलना है, जम्मा। जम्मा का मतलब है हाउ। तो अभी जम्मा को तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इससे अभी आगे चलते हैं, कुछ हम फ्रेजेस देखते हैं। तो दोस्तों ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इसका यूज है, तो इसलिए आप इसे जरा बड़े गौर से अटेंटिवली समझिएगा। पहली जो हमारे पास फ्रेज है वो है जम्मा यांग। जम्मा यांग इसका मतलब है हाउ इज इट, हाउ इज इट, कैसे, ठीक है। जम्मा यांग इसको दोस्तों हम अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो का मतलब है यानी कि मौके के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर ज्यादा अच्छी समझ आएगी। नहीं, जम्मा यांग, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ठीक है। इसी तरह नहीं, द पापा द शंथी, जम्मा यांग, तुम्हारे पापा की सेहत कैसी है, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें, चेगा पी द चिरल्यांग, जम्मा यांग, चेगा पी द चिरल्यांग, जम्मा यांग, इस पेन की क्वालिटी कैसी है। वखन जम्मा यांग, मैं कैसा दिख रहा हूं। देख रहे हैं आप के अकॉर्डिंग टू सिनेरियो जब आप इसके साथ चलेंगे तो ये इसका खुद ब खुद अपना मानी देने लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप अभी और भी एग्जांपल्स देखते हैं, हमारे पास पहले ये वर्ड देख लें, ये है थियंची। थियंची, थियंची का मतलब है वेदर, मौसम, ठीक है, वेदर यानी मौसम। चिन थियन थियंची जम्मा यांग, आज मौसम कैसा है। आप समझ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, मौके के मुताबिक ये अपना मीनिंग देगा, ठीक है। आपने इसको इस तरह से यूज करना है। पाकिस्तान द चिंगछा जम्मा यांग, पाकिस्तान की पुलिस कैसी है। पाकिस्तान द चिंगछा जम्मा यांग, पाकिस्तान की पुलिस कैसी है, यानी कि वो इसमें पूछ रहा है कि उसकी नेचर कैसी है, वो किस तरह बिहेव करती है, ठीक है। वादा थोफा जम्मा यांग, मेरे बाल कैसे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो आपने इसको यूज करना है। नेक्स्ट जी दोस्तों हमारे पास जो अगली फ्रेज है वो है जमाला या जम्मा खुशिर। जमाला या जम्मा खुशिर दोनों के मीनिंग है, या आप जमाला बोल दें या जम्मा खुशिर बोल दें, मीनिंग सेम है। मीनिंग क्या है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, या व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं, पहले हम देख लें ये वर्ड, इसका मतलब है खू। खू का मतलब है टू वीप या टू क्राई, यानी रोना चिल्लाना। खू, के यू खू। जम्माला, क्या हुआ, व्हाट हैपन, वे शम्मा नी खू, तुम क्यों रो रहे हो। देखा, आप समझ रहे हैं, कोई बच्चा रो रहा हो आपसे कहते हैं ना, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, तो इस तरह से कहेंगे, जम्माला वे शम्मा नी खू। जम्माला, क्या हो रहा है, पिए शोकवा, बातें ना करो। फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर क्लास में आते हैं तो आगे बच्चे जो है वो सारे बातें कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, तो वो क्या कहेगा के, व्हाट्स हैपनिंग, जमाला, क्या हो रहा है, पिए शोकवा, बातें ना करो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो। नेक्स्ट जो फ्रेज है दोस्तों वो है हमारे पास जम्मापन। जम्मापन, जम्मापन का मतलब है व्हाट टू डू, क्या करूं। फॉर एग्जांपल ये उस वक्त आपने यूज करना है जब आप एक क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, जब आप किसी मुसीबत के अंदर हैं, तो फिर आप कहते हैं अब मैं क्या करूं, ठीक है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं क्या करूं, बारिश हो रही है, मैं कैसे आऊं, मैं क्या करूं, ठीक है। वद अच्छा ख्वाइला, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, जम्मापन, अब क्या करूं, ठीक है, जम्मापन, अब क्या करूं। था लिखा है वा, उसने मुझे तलाक दे दी है, उसने मुझे छोड़ दिया है, वह जमापन, अब मैं क्या करूं, ठीक है। यानी एक कंडीशन ऐसी है कि जिसके अंदर मुसीबत वाली कंडीशन है, आप किसी ट्रबल में है, तो फिर आप कहते हैं मैं क्या करूं, तो उसके लिए आपने यूज करना है जमापन। नेक्स्ट फ्रेज है दोस्तों हमारे पास जम्मा ख नंग। जम्मा ख नंग, जम्मा ख नंग इसका मतलब है हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है, कहते ना, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है, हाउ इज इट पॉसिबल, इसके लिए हम यूज करते हैं
जम्मा खनंग जम्मा खनंग। थासला वो मर गया है, अयो माया ओ माय गॉड। जम्मा खनंग हाउ इज इट पॉसिबल, वो मर गया ओ माय गॉड ये कैसे मुमकिन है। जम्मा खनंग यानी आपको किसी बात का यकीन नहीं आ रहा ये कैसे मुमकिन है। था मीलूला वो गुम गया है, जम्मा खनंग हाउ इज इट पॉसिबल ये कैसे मुमकिन है। ठीक है, ये हो गया जम्मा खनंग। इसी तरह दोस्तों जो खनंग है, खनंग का मतलब है पॉसिबल, पॉसिबल यानी मुमकिन। ठीक है, और पू खनंग का मतलब है इम्पॉसिबल नामुमकिन। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो हमने सबसे स्टार्ट में देखा था जो हर फ्रेज के अंदर भी यूज हो रहा है वो है जम्मा, जेड ई एन एम ई जम्मा। जम्मा का मतलब है हाउ कैसे। अभी हम इसका यूज देखते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जम्मा को आपने जो है ना वो वर्ब या एक्शन से पहले लगाना है, वर्ब या एक्शन जो भी है उससे पहले लगाना है। इसको हम इसके सेंटेंसेस की एग्जांपल देखें। मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे रहूंगा, मैं कैसे नहाऊंगा, मैं कैसे बोलूंगा। तो ये जिस इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना उसके अंदर हम जम्मा को इस्तेमाल करते हैं एक्शन से पहले। एग्जांपल्स की देखते हैं। वो जम्मा लाए, मैं कैसे आऊं। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी खराब होगी, आप कहते हैं मैं कैसे आऊं, वो जम्मा लाए। वो जम्मा छिरफन, मैं कैसे खाऊं। यानी आपके अगर मुंह खराब है तो आप ऐसे कह सकते हैं वो जम्मा छिरफन, मैं कैसे खाऊं। वदा छह ख्वाइला, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, वो जम्मा छी, मैं कैसे जाऊं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास वर्ड है गो। गो का मतलब होता है इनफ यानी काफी है। ठीक है, गो। पू गो का मतलब है नॉट इनफ यानी काफी नहीं है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने देख भी लिया होगा तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट में पूछिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। लाइक शेयर करिएगा वीडियोस को और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।